जो परिणाम आए वो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ, इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा, कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूँ कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोगों को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है तीनों राज्यों में, बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा मिला है। अन्य अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियाँ रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती देश के सामने है और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम हम लोग करेंगे। आपको मुख्यमंत्री बनाया होता इस बार 2024 और 28 के लिए जो है जोश भरने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? ये देखो, हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे, समय बहुत कम है, इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है, बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, उस बात को मैं रखूंगा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे जयपुर। ओएसडी जो है, सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां रखी, क्या कौन को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने? मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करेंगे। इसी से आपने आज शुरुआत करी है, क्या ये बहुत साल तक परंपरा कायम रहेगी? जी, हमारा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, वो हमारे मुखिया रहते हैं और उनके संरक्षण में पार्टी हमेशा काम करती है। आज भी मुझे लगता है कि जो भी हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं बैरवा साहब, इन्होंने पूरी ताकत के साथ जिले में काम किया और हम 4 में से 2 सीट जीते हैं, एक बार पिछली बार से एक कम, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भरपाई करेंगे और लोकसभा में हम बेहतर परिणाम देंगे। मेन मुद्दा था टॉप का, सांसद बार बार दावे ठोकते थे 500 करोड़ देंगे, अब उनकी सरकार आ गई, अब किस तरह से उम्मीद की जाए? राजस्थान में मैंने कहा ना आपको कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके, इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई